मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। लापता आबदोस की तलाश में पेशरफ, कैनेडियन तैयारे ने जेरे समंदर आवाजों का पता लगा लिया। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि आबदोस की तलाश के मिशन में तौसी कर दी गई है। लापता आबदोस की तलाश में मुतादित कश्तियां और जहाज भेजे गए हैं। मशरकी ऑन्टेरियो में कनाडा का फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, कैनेडियन वजीर आजम का हादसे में हलाकतों पर इजहार अफसोस। हेलीकॉप्टर में एयरफोर्स के 4 अफसरान सवार थे। अमरीकी सदर ने चीनी हम मनसब को डिक्टेटर करार दे दिया। जो बाइडन के चीनी सदर को डिक्टेटर कहने के बाद चीन का रद्द अमल सामने आ गया। चीनी दफ्तर खारजा का कहना है कि अमरीका के रिमार्क्स इंतहाई मजाका खेज और गैर जिम्मेदाराना है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. बहरे ओकियानूस में लापता आबदोस की तलाश में पेशरफ सामने आई है। सर्च ऑपरेशन में शरीक कनाडा के तैयारे को टाइटैनिक डूबने के मकाम पर आबदोस मौजूद होने के इशारे मिले हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बहरे ओकियानूस में लापता आबदोस की तलाश में पेशरफ सामने आई है। सर्च ऑपरेशन में शरीक कनाडा के तैयारे को टाइटैनिक डूबने के मकाम पर आबदोस मौजूद होने के इशारे मिले हैं। अमरीका की रियासत मैसाचुसेट्स में कैप कोर्ट से 900 मील मशरकी इलाके में मुमकिन तौर पर मौजूद इस टाइटन को रेस्क्यू करने के लिए अमरीका और कनाडा ने तैयारे और जहाज भेजे हैं। कनाडा के महकमा कौमी दिफा ने आबदोस की तलाश के हवाले से बयान में कहा है कि लापता आबदोस की तलाश के मिशन में तौसी कर दी गई है और इस हवाले से मुतादित कश्तियाँ और जहाज भेजे गए हैं। इदारे के मुताबिक रॉयल कैनेडियन बहरिया का जहाज भी इस मिशन में हिस्सा ले रहा है, जिसमें 6 अफराद के मोबाइल हाइपरबार्क रिकम्प्रेशन चैम्बर से लेस है। कैनेडियन कोस्ट गार्ड का एक जहाज टेरीफॉक्स पहले ही जाए वकुआ पर मौजूद है और जल्द ही इसके साथ 2 दूसरे एन हार्वी और जॉन क्यूबर्ट भी शामिल होंगे। ये जहाज रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दरकार आलात और अहलकारों को लोड करने के लिए स्टैंड बाय होंगे। HMCS ग्लेस बे कहलाए जाने वाले इस जहाज में तिबी टीम भी मौजूद है, जो गोताखोरी से मुतालिक अद्वियात में महारत रखती है। एक रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स का तैयारा पहले ही इलाके में सतही और जेली सतह की तलाशी कार्रवाइयों में मदद फराहम कर रहा है। बरतानवी अखबार का दावा है कि जेरे आप तलाश के आलात ने आवाज़ों का पता लगाया है। हर 30 मिनट बाद आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये बात अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के साथ ईमेल तबादले में सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी कोस्ट गार्ड ने लापता आबदोस की तलाश के दौरान जेरे समंदर आवाज़ें सुनी जाने की तस्दीक की है। अमरीकी कोस्ट गार्ड का कहना है कि आबदोस की तलाश के दौरान कैनेडियन तैयारे ने जेरे समंदर आवाज़ों का पता लगाया है। न्यूफाउंडलैंड में टाइटैनिक के मलबे तक जाने वाली आबदोस की तलाश और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए अमरीका की जानिब से 3 C-17 फौजी तैयारे भी तैनात किए गए हैं। कैनेडियन कोस्ट गार्ड की ट्वीट्स के मुताबिक कनाडा के P-3 तैयारे ने मंगल के रोज तलाश के इलाके में पानी के अंदर की आवाज़ों की तलाश को ख़त्म कर दिया, जिसके बाद ROV की कार्रवाइयों को शोर की असलियत का पता लगाने की कोशिश में मुंतकिल कर दिया गया। मशरकी ऑन्टेरियो में कनाडा का फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार एयरफोर्स के 2 फौजी अफसरान लापता हो गए, जिनकी तलाश जारी है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
मशरकी ओंटारियो में कनाडा का फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार एयरफोर्स के दो फौजी अफसरान लापता हो गए, जिनकी तलाश जारी है। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के मुताबिक मंगल की सुबह तरबियती परवाज के दौरान एक फौजी हेलीकॉप्टर दरियाए ऑटावा में गिरने से अमले के अरकान की एक गैर मुतय्यना तादाद हलाक हो गई। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुझे कल रात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बात करते हुए खुशी हुई, ताकि हलाक होने वाले अरकान के अहले खाना और साथियों के साथ इजहार ताज़ियत किया जा सके। हकीकत यह है कि मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी, जवाबात देने के लिए होंगे, लेकिन अभी हम अहले खाना के इत्तला और मदद पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। महकमे कौमी दिफा का कहना है कि CH-147 चिनोक हेलीकॉप्टर में एयरफोर्स के चार अफसरान सवार थे, जब दारुलहुकूमत ओटावा से 160 किलोमीटर दूर दरियाए ओंटारियो के करीब हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। महकमे के मुताबिक चारों अफसरान ट्रेनिंग फ्लाइट का हिस्सा थे। रेस्क्यू टीम ने दो अफसरान को बरामद करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया था, लेकिन दो अब भी लापता हैं। महकमे दिफा ने कहा कि कनाडा की मुसल्ला फौज के 50 अहलकार दो लापता अफसरान को समंदर और ज़मीन पर तलाश कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन में मुसल्ला फौज के साथ साथ ओंटारियो का सूबाई पुलिस, मैरीन यूनिट, फायर डिपार्टमेंट और दीगर कई मिलिट्री रेस्क्यू तैयारे भी हिस्सा ले रहे हैं। महकमा दिफा ने कश्तीरानों से कहा है कि गैरेजन पेटावा के मिलिट्री बेस के करीब कश्तियां ना चलाएं, ताकि जाए वकुआ पर लापता अहलकारों के शवाहिद मिट ना जाएं और तलाश का अमल दुरुस्त अंदाज में जारी रखा जा सके। अमरीका के सदर जो बाइडन की जानिब से चीनी सदर शी जिनपिंग को डिक्टेटर करार देने पर अब चीन की वजारत खारजा ने रद्द अमल दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमेरिका के सदर जो बाइडन की जानिब से चीनी सदर शी जिनपिंग को डिक्टेटर करार देने पर अब चीन के वजारत खारजा ने रद्द अमल दिया है। अमेरिका के वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन के दौरे चीन के सिर्फ एक दिन बाद ही अब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने चीन के सदर शी जिनपिंग को डिक्टेटर करार दे दिया था। अमेरिकी सदर का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब दौरे चीन के दौरान गुज़िश्ता रोज़ वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने चीनी सदर से मुलाकात की थी, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करना था। चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि चीनी सदर को डिक्टेटर करार देना चीन के सियासी वक़ार की संगीन खिलाफ वर्जी है और खुली सियासी इश्तियाल अंगेजी है। अमरीकी सदर का बयान बुनियादी हकायक, सिफारती प्रोटोकॉल और चीन के सियासी वक़ार की संगीन खिलाफ वर्जी है। चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि अमरीकी सदर जो बाइडन के बयान की सख्त मुखालफत करते हैं। अमरीका के रिमार्क्स इंतहाई मजहका खेज और गैर जिम्मेदाराना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया में एक तकरीब के दौरान अमरीकी सदर का कहना था कि चीनी सदर बहुत शर्मिंदा थे जब जासूस गुब्बारे को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ने मुश्तबा चीनी गुब्बारे से मुतालिक बात करते हुए कहा कि यह आमरों के लिए बड़ी शर्मिंदगी थी जब वो नहीं जानते थे कि क्या हुआ। ये वहाँ नहीं जाना चाहिए था जहाँ वो था। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया का कहना है कि सदर जो बाइडन के बयान के बाद चीन की वजारत खारजा की जानिब से फौरी तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया। वाज़ेह रहे कि फरवरी में अमरीका ने रियासत कैरोलिना के साहिल पर मुश्तबा चीनी जासूस गुब्बारे को फिजा में तबाह कर दिया था। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।